वेलकम वेलकम रूबी की किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट आप लोग की फरमाइश पर ग्रीन केचप बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। ग्रीन केचप के लिए डेफिनेटली हमें ग्रीन टोमेटोज चाहिए, और हमारे यहाँ इस तरह के टोमेटोज अवेलेबल होते हैं जिसको हम टमाटियोज भी कहते हैं, लेकिन वही जो टमाटर जो कच्चे होते हैं और हरे होते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास है ये वाले टमाटो जो धो के रखे हुए हैं, 3.5 पाउंड यानी 1.5 किलो के आसपास, और हरी मिर्चें हैं ये है 0.5 पाउंड धो के फ्रेश डंठल निकाल के रखी हुई है, जो कि 250 ग्राम के आसपास है। तो यहाँ हमने पानी उबलने के लिए रखा है, ये देखिए सिमर हो गया है। तो अब इसके अंदर हम ये सारी चीज़ें डाल देते हैं। साथ ही इसमें हम डाल देंगे एक पूरा बंच जो है वो लहसुन का, और इसे अब हम बॉईल करेंगे अराउंड 12 to 15 मिनट्स। 15 मिनट हो गए हैं, ये देखें टमाटरों का और हरी मिर्चों का कलर चेंज हो गया है। तो अब चूल्हे को करते हैं बंद और इसको 2-3 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। बाय द टाइम ये कवर है, हम यहाँ पूरा एक हरा धनिया का बंच है जिसकी डंडियाँ हटा दिए, इसको ग्राइंडर में डालेंगे और साथ ही इसमें डालेंगे 1 कप सिरका, और इसको ब्लेंड करेंगे। चले अब इसे हम छान लेंगे। इसका सारा जो है सिरका जो हमने डाला था वो ले लेंगे सारा। तो ये जो धनिए का ये पल्प बचा है ये बेसिकली हम किसी चीज़ में यूज़ कर लेंगे, ये हमें नहीं चाहिए, हमें इसका पानी चाहिए। तो ये ले लेते हैं, इसको किनारे करते हैं। सेम ब्लेंडर में ये हम अपने टमाटर और हरी मिर्चों को ग्राइंड करेंगे। अगर आप चाहें तो वो जो हैंड ब्लेंडर होता है ना उसके साथ भी ब्लेंड कर सकते हैं। अब इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। चले ये ब्लेंड हो गया है, और यहाँ देखें हमने एक बोल लिया है और एक स्ट्रेनर रखा है, इसको अब छानते जाएंगे और निकाल लेंगे। वैसे तो मैंने रेड केचप भी बनाया है जो कि आमतौर पे मार्केट में मिलता है, बड़ा ज़बरदस्त सा बनाया हुआ है, लेकिन उसमें टमाटो की स्टोरी भी है, बड़ी अच्छी सी है। उसमें कार्टून खुद कहेगा कि मैं कैसे बना। तो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक क्या देती हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। देखें ये जो है इतना मैंने किया है, इससे ज़्यादा नहीं करूँगी मैं। और अब इसको हम एक बोल में निकाल लेंगे, धनिया की तरह इसको भी ज़ाया नहीं करेंगे, इसको एक बोल में निकालेंगे और बताएंगे आपको कि इसके साथ क्या करेंगे। चलो जो बैच बचा है वो भी कर लेते हैं। तो ये हो गया,
और अब ये वाला जो है पानी, इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसको अब हम फेंक देंगे, रिंस कर लेते हैं थोड़ा सा रियल क्विक, वाइप कर लेते हैं पतीले को, चूल्हा ऑन करते हैं दोबारा। तो अब ये सॉस जो है हमारा ग्रीन वाला, इसको पतीले में दोबारा डाल देंगे। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 कप शक्कर, 2 टेबलस्पून लेमन जूस, और ये जो हमने सिरका हरा धनिया वाला बना के रखा था ना, ये। और अब इसे हम कुक करेंगे। देखिए 4-5 मिनट हो गए इसको पकते हुए, और ये इस तरह का लग रहा है। तब इसको अब हम ठीक करने के लिए, यहाँ हमारे पास 2 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च है, कॉर्नफ्लोर कॉर्नसूप बनाने वाला, उसमें पानी डालेंगे अराउंड 4 से 5 टेबलस्पून, इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये अच्छे से घुल गया है। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून नमक, और ये देखें अच्छा खासा ग्रीन कलर हो गया है, लेकिन इसको मोर प्रीटियर बनाने के लिए कुछ बूंदे अगर ग्रीन डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, और जिनको नेचुरल रहने देना हो तो दिस इज़ नाइस ग्रीन ना, तो मैं डाल देती हूँ कलर। तो ये मेरे पास लिक्विड कलर है, आप चाहें तो पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये कुछ बूंदे डालते हैं जब तक कि मेरी पसंद का कलर ना आ जाए। तो इस वक्त तो 2 कतरे डाले, दो और डालेंगे, अब कॉर्न स्टार्च की स्लरी डालेंगे, 1 हाथ से डालेंगे और 1 हाथ से हिलाएंगे। ये सारी चली गई। चूल्हे को अब स्लो कर देते हैं, क्योंकि ये वो पोजीशन है जिसमें फटपट 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 होता है और आपको शायद आप जल जाएं, मतलब इस वक्त तो आप नहीं जलेंगे, मैं जलूंगी, फिर बाद में आप भी जल जाएंगे। और अब ये लेफ्ट ओवर जो हमारा पल्प रखा हुआ है ना, इसकी एक बेहतरीन सी चटनी बनाएंगे। इसको मिक्स करेंगे, हरे धनिए का पार्ट भी डालेंगे, आधा टीस्पून इसमें नमक डालेंगे, इसको अच्छे से मिलाएंगे। इसमें डालेंगे 2 टीस्पून तेल, और अब इसे डिश आउट कर लेंगे। इसको आप पराठों के साथ खाएं, एज ए चटनी खाएं, नाचो चिप्स की तरह खाएं, बड़ा मज़ा आएगा। और ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी हो गई है। तो ये हमारा ग्रीन वाला केचप जो है वो रेडी हो गया है, और उसको चेक करने के लिए हम थोड़ा सा देखें इसको टपकाएंगे एक प्लेट में। और थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। अब जैसे ठंडा हो गया है तो इसमें सेंटर में एक उंगली यूं स्लाइड करेंगे और टेस्ट करेंगे। माइंड ब्लोइंग, और ये देखें जोड़ नहीं रहा है। तो ये पहचान है कि बन गया है, चूल्हे को करते बंद। आप लोग जब ये ग्रीन केचप खाएंगे ना, रेड को भूल जाएंगे, क्योंकि ये पक्का हमारा देसी वर्जन है। इसके ठंडा होने पे मिलते हैं। तो यहाँ देखें हमारा केचप जो है वो ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर हो गया है। तो यहाँ मेरे पास एक क्लीन साफ़ सुथरी ग्लास की बॉटल है,
अगर आपकी बोतल का मुंह छोटा हो तब आप मेरी रेड केचप की रेसिपी देखिए, उसमें मैंने किस तरह से भरा है वैसे आप भरिए। और ये इस मरतबा बड़ा मुंह है तो मैं डायरेक्ट डाल दूंगी। और अब बाकी इस बर्तन में डाल देते हैं। और अब इसकी लिड कवर कर देते हैं और इसको आराम से हम फ्रिज में रख सकते हैं 3 to 4 weeks और मज़े लेने के खा सकते हैं। यह आप लोगों का न्यू फेवरेट केचप हो जाएगा। बच्चों के लिए भले ही रेड होगा लेकिन यकीन के साथ कहती हूँ कि बड़ों ने एक मरतबा जब ये चख लिया ना तो पागल शागल हो जाएंगे और सेकंड प्रायोरिटी रेड केचप हो जाएगा। और ट्राई करूँगी, ये मेरा न्यू रेसिपी है जो कि है क्रिस्पी पोटैटो फिंगर्स। ये देखें, तो मैं लूँगी पहले केचप इस तरह से, तबन कातिलाना खतरनाक। आप लोगों के लिए एक बाइट बनता है, रोल भी खतरनाक और केचप इसके साथ ऐसा जा रहा है। सिर्फ मुझे आप लोगों को एक टिप देनी थी, जैसे 3.5 pounds मैंने टमाटोज लिए उसके अगेंस्ट में मैंने लिया, यानी 1.5 किलो टमाटर के अगेंस्ट में मैंने 250 ग्राम मिर्चे ली यानी 1/2 pound। तो बस तेज़ हो तो कम मिर्चे ले ले, अदरवाइज परफेक्ट, माइंड ब्लोइंग, आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा बना के। तो चले जल्दी जल्दी जाएँ बनाएँ, खूब मज़े करें, मज़े करवाएँ। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।